अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं बारज़ादा निसार, क्लास 8th 9th 10th सब्जेक्ट उर्दू। आज का जो टॉपिक है वो है सिफत ज़ाती के दर्जे, यानी कि सिफत के बारे में हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में और उसके किस्में भी हमने पढ़े। आज हम इसके दर्जे पढ़ेंगे, यानी कि डिग्रीज। डिग्री जो इसके जो अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। उर्दू में बच्चों तफजील नफसी, तफजील बायस, तफजील कुल कहते हैं, यानी कि तीन डिग्री है। जिस तरह उर्दू जबान में और इंग्लिश जबान में भी, अंग्रेजी जबान में भी तीन है, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जो ये पॉजिटिव डिग्री है इसको उर्दू में हम कहते हैं तफजील नफसी, यानी कि वो सिफ्तजाती का ये पहला दर्जा है, यानी कि जो ये सिफ्तजाती का पहला दर्जा है। ये सिफ्तजाती का वो दर्जा है जब उसका मुकाबला किसी और के साथ ना हो, यानी ये अकेला है, इसका कोई, ये पहला दर्जा है, पहली डिग्री है और इसका कोई किसी के साथ मुकाबला नहीं होता है। उसके बाद जो है तफजील बायस, यानी कि कंपलेटिव डिग्री। ये कौन सा है बेटा? ये तफजील बायस सिफ्तजाती का दूसरा दर्जा है, यानी कि ये सेकंड डिग्री है, दूसरा दर्जा है। ये सिफ्तजाती का वो दर्जा है जब किसी मौसूब को कोई, किसी मौसूब की कोई सिफत किसी दूसरे मौसूब की उस सिफत से मुकाबला ज्यादा हो या बेहतर हो। यानी कि अगर हम कहेंगे ये पेन जो है, ये पेन अच्छा है, और दूसरा जो आएगा वो कहेगा ये पेन इससे अच्छा है, यानी कि जो सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री कंपरेटिव डिग्री, यानी कि गुड बेटर, एंड थर्ड में क्या आएगा? बेस्ट। गुड बेटर एंड बेस्ट, यानी कि तीन खसूसियात है सिफ्तों की, तीन डिग्रीज है। तो ये वो डिग्री है बेटा, वो दर्जा है, यानी कि तफजील बायस सिफ्तजाती का दूसरा दर्जा है। यानी कि ये सिफ्तजाती का वो दर्जा है जब किसी मौसूब की कोई सिफत किसी दूसरे मौसूब की उस सिफत से मुकाबले में ज्यादा या बेहतर हो, यानी कि ज्यादा बेहतर हो। यानी कि ये पहला गुड, अगर इससे अच्छा और कोई है तो इससे अच्छा और बेटर, हाँ ठीक है ना। उसके बाद आएंगे हम तीसरे पर, जो लास्ट वन है तफजील कुल, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, जो इन दोनों से बेहतर है, जो इन दोनों से बेहतर है। यानी कि तफजील कुल सिफ्तजाती का तीसरा और आखिरी दर्जा, यानी कि जो ये सुपरलेटिव डिग्री ये लास्ट है, आखिरी है, और तीसरा दर्जा है सिफत का और आखिरी दर्जा है। ये सिफ्तजाती का वो दर्जा है जिस किसी मौसूब की कोई सिफत या फजीलत दूसरे तमाम इसमों की इसी सिफत या फजीलत के मुकाबले में सबसे ज्यादा हो, यानी कि जो इसकी फजीलत या इसकी जो क्वालिटी है ये इन दोनों से अच्छी, यानी कि मैंने क्या कहा, गुड बेटर बेस्ट, यानी कि गुड बेटर एंड बेस्ट। जो गुड है वो पहला है, बेटर यानी कि ये इससे अच्छा है, और बेस्ट ये इन दोनों से अच्छा है, यानी कि इन दोनों से, यानी कि आखिरी वाला है ये। मिसाल के तौर पर हमने इनको तीन डिग्री में यहाँ पे लिखा है बच्चों, यहाँ पे टेबल पे देखिए, ये तफजील नफसी, तफजील बायस, तफजील कुल, यानी कि यहाँ पे है पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब अंग्रेजी जबान में हम लिखते तो हम यहां से शुरू करते, उर्दू जबान में तो यहां से हम शुरू करते, यानी कि लंबा, ये पहली डिग्री है, इसका मुकाबला नहीं है। जब इसका मुकाबला कोई और करेगा, लंबा जो इससे अच्छा होगा, यानी कि इससे लंबा होगा, वो क्या है, ज्यादा लंबा, यानी कि ये दूसरी डिग्री है, ये इससे भी अच्छा है, और जो ये दोनों से अच्छा है, दोनों से लंबा है, सबसे लंबा, यानी कि ये लास्ट वन है, सुपरलेटिव डिग्री, ये इन दोनों से बढ़कर है, बुलंद, यानी कि बुलंद, बुलंद तरीन, और इससे भी बुलंद है, आप इन दोनों से बुलंद तरीन, बुलंद बुलंदतर, यानी कि इससे बुलंद और बुलंद तरीन, इन दोनों से बुलंद, ठीक है ना, बुलंद तरीन कवि, यानी कि इससे कवि, कौन से ज्यादा कवि, यानी कि इससे कवि है, और इन दोनों से कवि, सबसे ज्यादा कवि, बखील, यानी पहली डिग्री है, और इससे जो बखील होगा कोई, बखील तर, जब इन दोनों से कोई है, बखील तरीन। तो इसी तरह से बेटा तवील, तवील तर, तवील तरीन, काबिल, काबिल तर, काबिल तरीन, ठीक है ना, जहन, जहन तर, जहन तरीन, लजीज, लजीज तर, लजीज तरीन। तो ये जो आज
डिग्रीज हमने पढ़े, दर्जे पढ़े बेटा, सिफ्त जाति के दर्जे तो तीन है, तबजील नफसी, तबजील बायज, तबजील कुल, पॉजिटिव कंपरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। बस प्यारे बच्चों आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखना।